हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मेरी पुरानी वीडियोस में कमेंट आया हुआ था कि मैम प्लीज़ आप स्टैटिस्टिक्स पे वीडियो डालिए, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके पूरी स्टैटिस्टिक्स की बुक कवर करेंगे जो कि क्लास 11th में चलती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि छोटे छोटे टॉपिक के ये सब क्या होता है, पहले ये सब जानेंगे तब हम आगे स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है कि कंज्यूमर क्या होता है, कौन होता है, हु इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, खरीदता है। ठीक है, उसका उपभोग करना। ठीक है, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वॉन्ट्स, अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वॉन्ट्स। जैसे हम कुछ खरीदने गए, अब मुझे टीवी चाहिए, ठीक है, मेरी वॉन्ट है ये। ठीक है, तो मैंने टीवी खरीदा, तो ये मैंने क्या किया, कंज्यूम किया टीवी। ठीक है, तो फिर मेरी वॉन्ट सेटिस्फाई हो गई, मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे टीवी चाहिए था, मिल गया, तो मेरी वॉन्ट सेटिस्फाई होगी, तो ये क्या, मैं क्या हुई, कंज्यूमर। ठीक है, देन सेकेंड इज़ कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, यूटिलिटी वैल्यू, गुड की यूटिलिटी वैल्यू को कंज्यूम करते हैं। जैसे मैंने टीवी खरीदा, तो ये एक प्रोसेस हो गया, कंजम्पशन प्रोसेस। ठीक है, देन सेकेंड इज, नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, मतलब गुड और सर्विसेज का उत्पादन करता है, बनाता है। ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उस गुड को जो प्रोड्यूस करता है, वो कौन होता है, प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर इज़ वन हु प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेट करने के लिए या फिर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या, प्रोड्यूसर क्या करता है, रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करता है। मतलब प्रोड्यूसर वो हुआ जो प्रोड्यूस करता है, जो प्रोसेस यूज करता है प्रोड्यूसर, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है विच कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इंटू यूजफुल थिंग्स, थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उस गुड की अलग वैल्यू हो जाती है, मतलब जैसे पहले रॉ मटेरियल था, उसकी वैल्यू अलग थी, अब रॉ मटेरियल से उन प्रोड्यूसर ने कन्वर्ट कर दिया यूजफुल थिंग में, अब कंज्यूमर क्या करेगा, उसे कंज्यूम करेगा। ठीक है, देन सेविंग क्या होता है, सेविंग इज़ द पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम। देखो, हमारी जैसे टोटल इनकम है 1000 रुपीज़, ठीक है, 500 रुपीज़ हमने कंज्यूम कर लिए, कुछ खरीद लिया अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो जो 500 रुपीज़ बचे जो हमने सेव किए, उसे हम क्या बोलते हैं, सेविंग। मतलब हमारे इनकम का वो पार्ट जो हम कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज़ द एक्सपेंडिचर, खर्चा होता है जो प्रोड्यूसर खर्च करता है, किस लिए, परचेज ऑफ, फॉर द परचेज ऑफ असेट्स विच हेल्प इन द जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, जो प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करते वक्त उन्हें बहुत सारे सामान खरीदने पड़ते हैं, जैसे असेट्स, जैसे मशीन खरीदी, लैंड खरीदी, लैंड होगी, मशीन वगैरह होगी, तभी तो वो प्रोडक्शन करेगा, तो जो वो पैसे लगाता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। उस प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, कि भाई इसने, बोलते हैं कि इस बिज़नेस में इसने इतने इन्वेस्ट किए हैं, तो मतलब गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन करने के लिए जो उसने खर्चे किए हैं, एक्सपेंडिचर किए हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये सारी हमारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कौन कौन सी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्राइमरी एम क्या होता है, प्रोडक्शन। ठीक है, प्राइमरी एम सबसे पहले प्रोडक्शन। देखो भाई, प्रोडक्शन होगा तभी तो गुड्स एंड सर्विसेज को कोई कंज्यूम करेगा,
प्रोड्यूसर पहले प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन होगा तभी तो हम कंज्यूम करेंगे, तो सबसे फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्सचेंज होगा, वो सब तो आगे का फंडा है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस होना। तो पहली प्राइमरी एम क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और उसे अवेलेबल कराना कस्टमर के लिए। और इसे हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्शंस दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ऑल लेवल विद द इकोनॉमी, मतलब हर लेवल पे, ठीक है। देन थ्री डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के थ्री डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स कौन कौन से, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एक बार हम और देख लेते हैं इन्हें। कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन इज़ यूजिंग ऑफ गुड्स फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, मतलब हम गुड्स को यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं ह्यूमन नीड्स की, मतलब अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वॉन्ट्स, मतलब यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जिस मतलब हमें उस गुड्स और सर्विसेज से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। हम मतलब स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकली मेजर्ड करते हैं कि मतलब ऐसे, मतलब रियल में नहीं होता, बट स्टैटिस्टिक्स में हम उन्हें मेज़र करते हैं नंबर्स में, कि मतलब जैसे हमने आइसक्रीम खाई उससे हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, तो हम ये बोलते हैं कि हमें ना 4 यूटिल्स मिले। यूटिलिटी को हम मेज़र करते हैं तो उसमें यूटिल्स लगता है पीछे, तो हम बोलते हैं 4 यूटिल्स मिले, मतलब यूटिलिटी हमारी कितनी आइसक्रीम से, 4। तो ऐसे इसमें बताया गया है कि यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वॉन्ट्स, ह्यूमन की जो वॉन्ट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है, कोई भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। भाई सही बात है, देखो हमारी नीड्स बढ़ती जाती है, हमें एक चीज़ मिल गई तो फिर दूसरी चीज़ पे नज़र चली जाती है, ठीक है। अब ये मिल गया, अब हमें ये चाहिए, अब ये मिल गया तो अब हमें ये चाहिए, तो हमारी नीड्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है और कोई भी फुली सेटिस्फाई नहीं कर सकता। रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड, और हमारे मतलब अर्थ पे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो हम अपने मतलब अपने सेटिस्फैक्शन मतलब अपने वॉन्ट्स को फुली सेटिस्फाई नहीं कर सकते, मतलब जितना हम चाहते हैं, हमारे वॉन्ट्स अनलिमिटेड है तो हम उन्हें फुली सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। द स्टडी ऑफ कंजम्पशन एक्सप्लेन, क्या जो स्टडी होती है कंजम्पशन की वो क्या एक्सप्लेन करती है, दैट एज कंज्यूमर हाउ पीपल एलोकेट देयर इनकम ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट द सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमाइज्ड। हम कंजम्पशन के प्रोसेस में क्या स्टडी करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर के पास जो लिमिटेड इनकम होती है वो कैसे उसको एलोकेट करता है, मतलब जैसे घर पे इनकम आती है, ठीक है, पापा की मंथली मंथ में एंड में इनकम आई, हम क्या करते हैं, भाई अब की बार ये वाली चीज़ खरीदनी है, पहले डिसाइड होता है ये चीज़ खरीदनी है, इतने पैसे तो सेव करने हैं, ये वाली चीज़ अब की बार लेके आनी है नई, ठीक है। तो मतलब यही कि हम कैसे अपनी इनकम को एलोकेट करते हैं अपने वॉन्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जिससे क्या हम सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है, कितनी सेव करनी है ये सब, ठीक है, ये कंजम्पशन का प्रोसेस है। देन हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन क्या होता है, इट सिंपली मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को क्रिएट करना। While they have a large number of varieties of goods and services to choose from for the firm, देखो production के limited means होते हैं, लेकिन किसी goods और services के large number of varieties होती है, ठीक है, to choose for the firm from their firms and factories. प्रोडक्शन के स्टडी में क्या एक्सप्लेन किया जाता है कि प्रोड्यूसर हाउ डू दे चूज़ सच कॉम्बिनेशन, वो इस कॉम्बिनेशन को कैसे चूज़ करता है, सो दैट देयर रिवेन्यू इज़ मैक्सिमाइज्ड, मतलब कि प्रोड्यूसर किस वे से प्रोड्यूस करे, कैसे रॉ मटेरियल यूज़ करे, कैसे प्रोडक्शन करे जिससे कि उसका प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, मतलब कॉस्ट तो क्या है, जितना उसने लगाया है, रिवेन्यू जो एक्स्ट्रा है, मतलब जिसने प्रॉफिट है उसका, तो वो प्रॉफिट निकलेगा, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है।
When we formulate a set of standard relationship, explain the behavior of producer or their production decision, we call it production theories. Production theories में यही होता है कि वो कैसे क्या decide करता है कि कैसे हमें production करना है, किस वे से करना है, क्या क्या लगाना है ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा profit हो. ये हुआ production. Then next is distribution. Distribution is the study of distribution explain economic principle on the basis of income is distributed among the various factors of production. How the national income arising from what has been produced in the country is distributed through wages and salaries, profit and interest. इसमें यह बताया गया है कि मतलब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि किस बेसिस पे, किस इकोनॉमिक प्रिंसिपल के बेसिस पर हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में. वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, ये सब. ठीक है, तो इनको हम किस वे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनकम. ठीक है, तो ये आता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये हमारे फैक्टर्स हैं. पार्ट ऑफ इनकम इज इनकम जनरेटेड विल गो टू द ओनर लैंड. लैंड जो यूज़ हुई है प्रोडक्शन में उसे हम क्या देंगे? रेंट. ठीक है, लैंड का जो वे होगा मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेंट देंगे. लेबर को क्या देंगे? वेजेस देंगे. फिर कैपिटल जितनी लगाई है उससे हमें प्रॉफिट होगा. ठीक है, तो व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सच अ स्टडी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स. मतलब ये जो फैक्टर्स के प्रोडक्शन थे, फैक्टर्स है ये प्रोडक्शन के फैक्टर्स, सॉरी मतलब जो जो फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो इनको किस वे से हम कितनी कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में पढ़ते हैं. ओके फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है. ठीक है, प्लूरल वे में क्या होता है, मतलब प्लूरल नाउन में इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर इसके करैक्टरिस्टिक्स प्लूरल में क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि सिंगुलर में क्या होता है. ठीक है, फिर स्टेजेस कौन कौन से होते हैं सिंगुलर में, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे स्टैटिस्टिकल स्टडी के स्टेप्स, फिर उसमें कौन कौन से इसके स्टेप्स के अंदर हम कौन कौन से फंक्शन करते हैं, क्या क्या आता है. ठीक है, फिर स्कोप्स में नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशंस, ये सब हम पढ़ेंगे. ठीक है, हम फर्स्ट चैप्टर पूरा नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको स्टैट्स में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें. अगर वीडियो में कुछ चेंजेस चाहिए या फिर कुछ गलती हो रही है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें. जितना हो सके प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब बढ़ाएँ. थैंक यू.